ओके, आज का ये वीडियो लॉग है कूलेंट चेंज करने का। आज फर्स्ट टाइम अपनी TRQ पे कूलेंट चेंज करेंगे। होप सो, देखते हैं क्या होता है। लोकल दो शॉप से मैंने ट्राई किया फ्लश के लिए, नहीं मिला यहाँ पे। कल एक्चुअली जब मैं क्रॉसवर्ड्स गया था मीरा रोड, वहाँ से लेना भूल गया मैं, वो मेरी गलती हो गई। यहाँ पे लोकल दो शॉप्स में ट्राई किया, वहाँ नहीं मिला। और क्रॉस रोड्स मीरा रोड शॉप पे ग्रीन वाला नहीं था इनके पास, कूलेंट लाल वाला था, तो मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे। और लोकल शॉप से अभी मुझे ये मिला एब्रो का। एब्रो का मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, प्रोडक्ट्स ठीक ही है, अच्छे हैं मतलब। तो अभी करेंगे अभी और ये भी डालेंगे, राइट, ठीक है। अभी मोबाइल को मैं माउंट कर लेता हूँ मेरे सिर पे, ऐसे मैंने ये बनाया हुआ। मेरे पास Hero 5 है और सोनी का भी कैम है, और वो बहुत पुराने हो चुके हैं यार। अभी पता नहीं, अभी अगर मैं Hero 5 लगाऊंगा, अभी ये यहाँ पर लाइट भी नहीं ऊपर कहीं पे इस पार्किंग में, तो वो उसके लिए फिर अलग से लाइट लगाओ, तो बहुत सारे चोचले हैं। तो ऐसे लगा लेते अपन, और सो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर ऐसे लगा के अभी। आज तो मेरा सन आया नहीं क्योंकि कल, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। यार एक तो ये पावर बटन दब जाता है इस साइड में ना। होप सो ये रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, ठीक है। इसको बस सिर पे माउंट कर लेते हैं। मोबाइल में क्या है कि इसमें लाइट भी आ जाती है, अपन लाइट भी आ जाती है ऐसे। और अरे यार मेरा ये ख़राब हो रहा है, ये सब ख़राब हो रहा है यार। ओके, अपने TRK पे करते हैं। तो एज पर द ओनर्स मैनुअल, किधर गया, एज पर द ओनर्स मैनुअल स्टेप्स क्या क्या है इसमें। टू चेंज द कूलेंट, प्लेस द व्हीकल ऑन अ फ्लैट सरफेस, कीप इट अपराइट। अपनी गाड़ी मेन स्टैंड पे है, एक्स वेरिएंट है अपना। Place a container under the engine to collect the used coolant. वो तो अभी अपने पास नहीं है, वैसे ही कर देंगे। Remove the radiator cap, ठीक है। कहाँ गया अपना radiator cap? एक मिनट, इसको यहाँ पर रख के, कहाँ गया, कैसे खोलेंगे? ओके, रिमूव द रेडिएटर कैप हो गया अपना, इसको यहाँ रख देते हैं संभाल के। क्या बोल रहा है, रिमूव द कूलेंट ड्रेन बोल्ट एंड इस गास्केट टू ड्रेन द कूलिंग सिस्टम कूलेंट। ओके, कहाँ गया अपना पिटारा, क्या नंबर का है, शायद लिखा होगा उसमें। तो अभी से बहने लग गया, ड्रेन बोल्ट का साइज लिखा है क्या, नहीं लिखा है, टॉर्क लिखा है, टाइटनिंग टॉर्क लिखा है 11 Nm का। तो आज फर्स्ट टाइम अपना टॉर्क ब्रेंच यूज़ करेंगे। किधर गया, इसमें से कौन सा है यार, ड्रेन बोल्ट किधर है, ये है करेक्ट, ये तो माउंटिंग है अपना इस पर इंजन पे, और ये है, ठीक है। ये सर दिखने से लग रहा है कि 10 का है यार। तो मैंने कल का टी शर्ट यहाँ पे पड़ा है, 10 का यही ले लेते हैं, छोटा
कि बढ़ा लें, बस का लग रहा है। दस का नहीं है, आठ का है। अभी अपने 2019 अक्टूबर की है, अक्टूबर 2019 की गाड़ी अपनी, तो आज तक हाँ यही है। तो सबसे नीचे वाला जो ये है ना, ये भी इस पर भी ये डालना पड़ेगा, वाइट कलर हो गया है। मैं 3 लीटर लेके आया हूँ, मैं 2.4 लिखा हुआ इसके ऊपर ऐसे। तो ये अपने मनीष जी यहाँ के सिक्योरिटी मैनेजर, मेरी कूलेंट है ये, पानी पानी। ये क्या अभी अक्टूबर 2019 की गाड़ी है ना, तो अभी तो चेंज नहीं किया मैंने कहीं पे भी ना, मैंने करवाया सर्विस सेंटर में, तो मैं तो सोच ही रहा था मैं खुद करूँगा। वो चल रहा है, लेकिन अभी मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। अच्छा। लड़का मेरा साथ में आया नहीं यार, वो बहुत गाली मार रहा था कल, तो आज तो आया नहीं अपने साथ। वो मैं बोला ठीक है भाई, नहीं आना चाहता तो मत, अभी तो क्या कर सकता, जबरदस्ती तो है नहीं कुछ इसमें से। नहीं नहीं बस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं बस बस नहीं नहीं भैया बस बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछा। हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर। कम्प्लीट ड्रेन आउट नंबर 5, आफ्टर द कूलर इज कम्प्लीट ड्रेन आउट थ्रूली फ्लश द कूलिंग सिस्टम विद क्लीन टैप वाटर। क्लीन टैप वाटर तो है नहीं अपने पास। इंस्टॉल द कूलेंट ड्रेन बोल्ट एज इट्स न्यू गास्केट एंड देन टाइटन द बोल्ट टू द स्पेसिफिक टॉर्क, 11 Nm का टॉर्क। चलो निकालते हैं पहले बात तो। टॉवल नहीं भैया, अपने पास टॉवल है, उसको दे देंगे। नहीं नहीं इसको धो देंगे ना यार, ऐसा ऐसे भी पहली बार तो धुला नहीं है, तो मुझे ऐसे भी इसको धोना ही है यार। नहीं इसको धोना ही है अभी। आप सर गाड़ी सर्विस भी करते हो क्या? मैं हाँ खुद की गाड़ी करता हूँ मैं। पहले अपने जो ग्रुप में थे ना मेरे दोस्त, मेरे पास क्या पजेरो भी बड़ी गाड़ी भी है, तो वो शुरुआत ऐसी हुई कि मैं खुद करता था, फिर उनको अच्छा लगा मेरा काम, तो बोलते नहीं बोरून तू ही करके दे, तो वो लोग मुझसे कराने लगे फिर। और ये बाइक का तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं बार का सीखने को मिल जाता ना, डरते रहते नहीं तो फिर खोले के नहीं खोले, लोग उसी से डर जाते भाई। खुलना तो है ही सही यार। तो ये मैंने मंगाया था असॉर्टेड कॉपर वॉशर, देखते हैं कुछ अपना लक बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका कहाँ पुराना वाला, ये पुराना वाला, ये कुछ मिल रहा था। छोटा कुछ ऐसी साइजेस है, ये ट्राई करते हैं, होपफुली रिकॉर्डिंग हो रही होगी, पता नहीं। मोबाइल तो लगा लिया सिर पे,
कहाँ गया, मिक्स हो गया यार एक ऊपर नीचे, ट्राई करेंगे तो मिलता जुलता कुछ। चलो इसका मिलता जुलता कुछ करना पड़ेगा, ठीक है इस पर देखते बोले इसका कैसा है। अच्छा इसका फेस ऐसा है, ये लगा सकते हैं क्या, लग जाएगा इसका फेस पे, फेस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। अच्छा है ठीक है, इस पे हल्का सा कॉपर ग्रीस मार देंगे अपन, रख देते हैं। तो पुराना वाला कहाँ डाला यार, बहुत भुलक्कड़ इंसान हुआ, गॉड नोस किधर गया, गया भूल गया, हाँ यही यही है शायद, यही है इसमें डाल दिया पुराने वाला, इसी में यहाँ डाल देते हैं पुराने समय याद रहेगा, फर्स्ट वाला पुराना, लेकिन सब मिक्स होने वाला है। तो ये कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं, शायद अमेज़ॉन से लिया होगा, पहले तो अमेज़ॉन से लिया था शायद, उसको प्यार से रखना पड़ेगा। और फिर अपने पास ये भी है, सेटिंग करते हैं, NM में है, कहाँ गया 10 किधर गया भाई, 11 नहीं गया इसमें, हाँ ये रहा ना 8, 6, 8, 9, 10, बस सीखना पड़ेगा भाई ये बात। जाना था एंटाइटी करना पड़ेगा, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है, 0 लगे 20.2, 24.8, 27 पकड़ लिया तो उसको रहने दो भाई, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, ज़्यादा पंगा नहीं लेना है। थोड़ा सा इसका निकाल देते हैं, कैल्शियम पूरा जमा हो गया उसमें, और ये जो है इससे इधर ही लगाना, इधर नहीं लगाना इससे, ये सब इस साइड लगाएंगे, चला जाएगा अंदर, ज़्यादा तुम लोग ठीक है यार, ऑर्डर कहाँ गया अपना, रैचेट लगा देते वापस, वो फुल निकल गया होगा सर, है फिर भी इसके अंदर पीछे लेंगे, आगे झुकी हुई गाड़ी थोड़ा बहुत रहेगा रहेगा, तो
बस इस पर नज़र रखनी पड़ेगी यार। स्पेयर मैंने होजेज ही मंगा के रखे हुए। अच्छा इस पर थोड़ा ध्यान देंगे बाद में अपन। यहाँ पे थोड़ा ये क्या है ना, ये ऑयल का पाइप और ये जो पाइप है ना रेडिएटर का टच हो रहा है यार ये, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए। कम से कम एक उंगली का तो जगह होनी चाहिए जो पाइप को रेडिएटर होस को जो है ना डैमेज कर सकता है। ये थोड़ा अपन जुगाड़ करेंगे इसका बाद में। हीट रेजिस्टेंट सिलिकन का कुछ लगाना पड़ेगा उसको वहाँ पे। अब मैंने इसको अच्छे से साफ तो कर दिया है, एक्चुअली इसके लिए था ये ऑयल वॉयल भरने के लिए। धो दिया मैंने उसको अच्छे से। देखते हैं भाई, आ जाओ साइड, आ जाओ आप साइड में, अपना मोबाइल रख लेते हैं अंदर। कभी का है भाई, मैं 2022 का है, पुराना आइटम दे दिया उसने। एक्सपायरी कब की है इसकी, 24 मंथ्स लिखा है। बेस्ट बिफोर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेज, मंथ ऑफ डेट ऑफ पैकेज यूज। ये प्रीमिक्स दिया है क्या उसने? अरे यार ये तो प्रीमिक्स नहीं दिया है, लग नहीं रहा है प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स दिया ही नहीं उसने यार, ये तो बोल रहा है साड़ी वाली शॉप से लाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट है ये तो, इडियट। उसे मैंने प्रीमिक्स मांगा, उसने दिया नहीं मेरे को। शॉप से ला के देखता हूँ, मेरे दिमाग खराब कर गया उसने। ठीक है अभी पॉज करता हूँ मैं वीडियो। तो भाई अभी यहाँ की आसपास की दो शॉप्स में गया है मैं, रिपेयर सेंटर ही है, तो उनके पास तो ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ कूलेंट ही है, प्रीमिक्स है नहीं। बोलता है सादा नल का पानी डालो। बोला ओके वेरी गुड, होपफुली ये रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। हो रहा है क्या है? हाँ हो रहा है, प्लीज बन जाएंगे दो दो। ओके तो अभी ये डिस्टिल डिस्टिल तो नहीं है, सॉरी अपना यारों का पानी, केनली का पानी लेके आया हूँ मैं। हाँ एज पर अभी लफड़ा ये है अपना एंटी फ्रीज वाटर मिक्सचर रेशियो 1:1 बोला है, और ये जो भाई साहब है ट्रॉपिकल फार्मूला कॉन्सेंट्रेट, ये भाई साहब बोलता है 1:4। वन इज टू फोर मतलब एक लीटर में, सॉरी एक लीटर पानी में 250 ml 1:4। 1:1 तो फिर ये हो गया एज पर जो ओनर्स मैन्यूअल,
50% अपना कूलेंट, 50% अपना डिस्टिल्ड अपना ये पानी होंगे आर ओ का, होपफुली ये डुप्लीकेट ना हो। कूलेंट क्वांटिटीज 2.4 लीटर्स चाहिए, ठीक है। लेट्स सी अपना सीन हो गया आज तो, लोकल शॉप वाले ने अपने को कर दिया अपने साथ 1:4। अभी इस पानी में डालते हैं, देखें पहले ये भर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। रिफ्रेशिंग। अपनी गाड़ी तो ठंडी ही है, आज कुछ रनिंग की रनिंग नहीं किया तो अपन ये डाल ही लेते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं। बहुत ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, इन दोनों में कंडीशनर डाल लेते हैं। ट्रीट्स अप टू 20 लीटर सिस्टम, अरे भाई नहीं आएगा। जो टेम्परेचर पे भी देखना पड़ेगा, चलो इतना बहुत है यार, ज़्यादा नहीं डालना। इसको भर लेते हैं, इसको ढक्कन लगा देते हैं। क्या एक ही लीटर गया क्या इसके अंदर? चलो बॉटल तो संभाल के रखना पड़ेगा अभी। स्लो 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 इस
देखते हैं क्या हाल है। टेंट पे निकालो क्या यार, खाली है क्या? चलो ये भी भर गया, अभी चालू करेंगे इसको, चालू करेंगे। खींच लिया एयर गैप तो लगता है, खींच लिया उसने पंप में। सब बहुत ध्यान देना रखना पड़ेगा, हेड में भी रहता ही है, क्योंकि जब तक ये इसका थर्मोस्टेट नहीं खुलेगा हेड में ही पानी होगा, कूलेंट होगा कम्प्लीटली। तो गर्म करके करना चाहिए था एक्चुअली, ये इंजन को गर्म करके तो इसका थर्मोस्टेट भी खुल गया होता, और फिर अभी टेम्परेचर देखो, ये ठंडा पानी है तो फैन भी नहीं चलेगा इसके ऊपर। बढ़ रहा है, सेकंड पे आ गया।
रेडिएटर कैप तो मैंने लगा दिया अच्छे से, टाइट कर दिया उसको। गाड़ी ऑन ही रखते हैं, थोड़ा टाइम गर्म होने देते हैं। फैन अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन आँख रखनी पड़ेगी इसके ऊपर। मेरे भाई में भी थोड़ा ऐसा करते हैं ना, इसे मैं पोर्टेबल बना के रख लेते हैं। होगा डाल देंगे, अपडेट करता रहूँगा मैं। सोच रहा हूँ कल इसका क्लच करवा लूँ, क्लच का काम करवा लूँ इसका, इसके ग्रिप्स तो अपने हॉट ग्रिप्स भी ला के रखे। मैं पिछले अक्टूबर से मंगवाया था मैंने 2022, लगाएंगे करके। रखना कि ये जो केबल है इसका सेंसर का, ये नीचे से ना जाए, क्योंकि अगर गलती से अगर आपने पैडलॉक डाला यहाँ पे तो पिंच हो जाएगी ये केबल, गया काम सबका सेंसर। तो उसको पैच वर्क करो, बेटर यही रहे कि ये केबल थोड़ा ऊपर से चली जाएगी। कहाँ पे रखा है हॉट ग्रिप भी इंस्टॉल करेंगे, और ये इंटेलिजेंट BCM इसके अंदर है, बैटरी मैनेजमेंट, बैटरी कंट्रोल, BCM बैटरी कंट्रोल मैनेजमेंट जो भी है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसको लगाएंगे अपन, इसको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चेक कर लेते लेफ्ट राइट। काटना पड़ेगा शायद काटना पड़ेगा। शायद यहाँ तक काट सकते हैं इसको। करेंगे इसके फुर्सत में। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कंट्रोलर है, इस भाई साहब को कैसे लगाएंगे। यहाँ दिया हुआ तो है, यहाँ पे लगा लो आप, ठीक है। ये अपना तो ABS स्विच है, अपना तो ABS स्विच है, नहीं तो यहाँ ऐसा कुछ माउंट कर देंगे इसको, और क्या कर सकते हैं। यू क्लैंप लगा के इधर ही माउंट कर देंगे, क्योंकि तो यहाँ के लिए यहाँ तो लगने से रहा, यहाँ पे लगने से रहा यार। कैसे करेंगे ये अपना,
चार DS का ऑयली बॉक्स भी है। ना नहीं लग सकता, जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्लान लगाए लोग। चाबी नड़ेगी, चलो 3 बार हो गए इसके, फैन चालूंगा नहीं हुआ अभी तक। और अपना कूलेंट तो भेज रहा है, पड़ा हुआ मेरे को घुमा के इसको यहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ लगा देंगे इसको ऐसे। फैन चालू हुआ अपना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बह तो नहीं रहा, सब कुछ सही है, सही है। फैन चला वापस 2 पे आ गया, तीन पे आया था, 3 से थोड़ा ऊपर जाने लगा, फिर फैन चला, अभी बंद हो गया है। ऐसे भी अभी बारिश का टाइम है, पानी में अपने ठंडे डाला था, इसका फ्रंट शॉक का भी अपन को ये करना है। ठीक है, अभी ये देखिए यही ठीक रहेगा, ये भी ऑप्शन अच्छा है, यहाँ पे भी है ना लगा के, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये दूर हो जाएगा, हैंडल हिलेगा ना, बेटर यही है यहीं रहेगा ये। 3 पे आ गया लेकिन अभी तक ऑन नहीं हो गया, चालू हो गया। ठीक है, जुगाड़ करेंगे इसका, छोटा वाला प्लान करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा फिर अपना ये कंट्रोलर, वहाँ से वायरिंग अपने सेकेंडरी बैटरी को दे देंगे, अभी कल का प्रोजेक्ट करेंगे इसको, कल का प्रोजेक्ट करते हैं इसको। हॉट ग्रिप्स, ऑफ स्पोर्ट का हॉट ग्रिप्स, वायर तो लंबा है खेल ग्रिप्स का, ये भी वायर काफ़ी लंबा है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना ग्रिप यहाँ पे समझ लो, इसका वायर कितना लंबा, वायर तो काफ़ी लंबा है। लेफ्ट है कि राइट है, राइट है,
आराम से आएगा यार, घुमा फिरा के भी अगर लेके भी आए वायर यहाँ कंट्रोल तक आ जाएगा। कंट्रोलर का वायर भी लंबा है, वायर काटना पड़ेगा लगता। कंट्रोलर का वायर काटना पड़ेगा, कंट्रोलर किधर गया मेरा? ये जो वायर है ना तो यहाँ तक लेके आ जाएंगे। लेंथ अच्छी है तो रिटर्मिनेशन के लिए करना पड़ेगा। करेंगे इसका भी करेंगे। जेब में रख लेते हैं। तो निकल गया अभी तक मेरा। तो ये रिकमेंडेशन है भाई लोग कि प्री मिक्स ही लाना, तो उन दिमाग ख़राब करके बैठेगा कूलेंट के साथ में। और फ्लश ज़रूर कर लेना, मैंने ट्रस्ट किया लोकल इसके ऊपर मिल जाएगा। उनके पास तो इंजन फ्लश था, उनके पास इंजन ऑयल फ्लश।